यहां पे इनका खेल खत्म है। आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम्हारी तो बैंड बजी हो बू। ओ भाई साहब क्या एक्सीडेंट हुआ है, अबे दुबैक सेवन के साथ ट्रेन आ रही है और यहाँ पे गजब यार क्या तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी बीच का भी खेल खत्म है। आ जाओ बेटा तेरा भी टाटा बाय बाय, निकल लो पंगा मत लेना एनमैन भाई से। एनमैन के आगे कोई बोल सकता है क्या? यहाँ पे देखिए मैंने हाथ भी नहीं लगाया और ये दोनों वेब फुल लोकोमोटिव आपस में ही लड़ पड़े। बताओ मुझसे लड़ना तो दूर ही, आपस में इनकी नहीं बन रही तो मुझसे क्या बने। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, सॉरी इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D सिमुलेटर, क्यों याद आ जाता है मुझे। ठीक है तो यहाँ पे आज हम खेलने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D का चैलेंज मोड हम बोल सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस में एक्चुअली में मान सकते हैं कि यहाँ पे हमें सारी की सारी ट्रेनों के साथ स्कैम यहाँ पे करना है। सारी ट्रेनें जो यहाँ से निकलने वाली है सबके साथ हमें एक्सीडेंट करना है। तो यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे बोला भी था कि आप जितनी भी ट्रेन वहाँ से निकलती हैं तो उन सबके साथ एक्सीडेंट कीजिए। तो मैं आपको नेम भी बताता हूँ उन सब्सक्राइबर का। तो सब्सक्राइबर का नाम है आकाश। तो आकाश ने बोला था अब एक जबरदस्त वीडियो बनाओ, इस गेम में जितनी भी ट्रेन्स हैं उनका खतरनाक वाला एक्सीडेंट करो, फिर आएगा असली मजा। तो यहाँ पे मुझे इन्होंने एक दिन पहले बताया था, तो आज मैं उसी को ट्राई करने वाला हूँ। जहाँ से जितनी भी ट्रेन निकलने वाली है रेलवे जंक्शन से, आज हम उनकी किसी की पूंछ तोड़ेंगे, किसी का मुंह तोड़ेंगे, किसी की टांग तोड़ेंगे, किसी के हाथ तोड़ेंगे, किसी की नाक, किसी का मुंह, सब कुछ तोड़ देने वाले हैं। मतलब उनके हर एक पुर्जा हम उनका टुकड़ा टुकड़ा करने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेन आएगी जो कि ब्रिज के ऊपर जाती है, जो हमें चढ़ाते हुए जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल हुडिंग लोकोमोटिव यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे इनका खेल खत्म, टाटा बाय बाय। और यहाँ पे ये देखिए क्या उचके हैं ना भाई साहब, मजे ही आ गए। एक नंबर जब भी ये जंप करते हैं ना, एक नंबर जंप करते हैं, यहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है ना मजा आ जाने वाला, मजा ही आ जाता है। एक नंबर बिल्कुल क्लास ही मजा आ जाता है। वैग 7 लोकोमोटिव था और यहाँ पे भी एक कोई पास में ट्रेन आ चुकी है ICF कोच के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जिसके साथ हम स्कैम करेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में भी ये देख सकते हैं एक ट्रेन खड़ी है ICF के साथ, जो कि यहाँ से धीरे 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 बैक रिवर्स चली जाएगी। तो ये एक ऐसी ट्रेन है जिसको हम छोड़ देंगे, जाने देंगे, ये भी याद रखेगी। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे आप भीड़ में किसी लड़ाई करो किसी भीड़ में, तो आप सबको मत मारो, मतलब एक किसी को छोड़ दो ताकि वो जाए और आपका नेम बताए कि पीटने वाला कौन था, जिससे आपका तहलका मच जाए। तो इसलिए वो लास्ट में जो ट्रेन खड़ी है ना पीछे, उसको हम जाने देंगे ताकि वो सबको बताएगी और हमारा नाम रोशन होगा। एनमैन गेमिंग भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो वही वाला सीन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस वाली ट्रेन बेचारी, ये तो अच्छी वाली आ रही थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, मैंने आते से इसके दांत तोड़ दिए पूरे के पूरे, आगे से मुंह तोड़ दिया इसका, पीछे थोड़ी बहुत सही रखी है ना, लेकिन आगे से पूरा टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है अब हम चलते हैं ब्रिज के नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो यहाँ से निकल के जाने वाली है ब्रिज के नीचे। और ब्रिज के नीचे पहुँचते पहुँचते वो स्पीड को तेज कर लेगी, तब वहाँ पे जाके एक्सीडेंट करने में मजा आएगा। अगर हम चाहते तो यहीं की यहीं रेलवे जंक्शन पे भी ट्रैक चेंज करके डीरेलमेंट कर देते उसके, लेकिन वो मजा नहीं आता ना, इसलिए हमें यहाँ पे आए इतनी दूर रेलवे ब्रिज के नीचे से। तो सामने से आप देख सकते हैं गाइस वो ट्रेन आ चुकी है रेलवे जंक्शन से, जो कि चली थी हमारी, तो उसका खेल खत्म है। ट्रेन को एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी कार को हॉरिजॉन्टली खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रही परफेक्ट पोजीशन पे खड़ना होगा, तो यहाँ पे उतर लेते हैं जल्दी से। और गाइस ये देखिए वैग 7 लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे क्या जंप लेके यहाँ पे ये उचका है ना लोकोमोटिव, मजा आ गया। मतलब वो पूरा आगे से लड़खड़ा गया और पीछे वाले कोच अभी भी जा रहे हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है और पीछे से फोर्स लगाते हुए सारे कोच आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पीड मोड में थे ये, और आगे जाके सारे के सारे कोच इसका कबाड़ा कर दिया, लोकोमोटिव के तो दांत फिर से टूट गए। अब देखते हैं कौन से लोकोमोटिव भाई साहब आए। ये भी वैग 7 लोकोमोटिव आया उत्कृष्ट कोचेस के साथ, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली हमारी कार को जल्दी से लगा देते हैं, उतरने का टाइम नहीं है। और यहाँ पे बू वो नहीं 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 उतर लेते हैं जल्दी से, नहीं हम भी गुलाट खाते रहेंगे वहीं वहीं पे। वैग 7 का फिर से मुंह टूट गया, मतलब आज तो वैग 7 जितने भी थे ना सबका मुंह टूट गया, एक के भी दांत अच्छे सही सलामत नहीं बचे। और यहाँ पे पीछे के हाथ पैर पूंछ मुंह नाक दांत सब टूट गए, मतलब जो भी बॉडी पार्ट होते हैं सब कुछ टूट गया। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेट वगैरह कर लेते हैं कैसे क्या कुछ बचा है भी नहीं इनमें। ठीक है तो यहाँ पे ये टूट गया, ये थोड़े बहुत सलामत हैं। ओ ये पीछे से इसके पैर बहुत सलामत रखे हैं, इसके भी पैर काफी सलामत रखे हैं, लेकिन सबका आगे का जो जबड़ा है ना टूट गया, बिल्कुल खल्लास हो गया खल्लास। अब ये याद रखेंगे एनवेन गेमिंग भाई को। तो यहाँ पे अब जल्दी चलते हैं वापस रेलवे जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी ट्रेन आ चुकी होंगी, अब उनकी ट्रेनों के भी साथ हमें स्कैम करना है। तो इन्हें टाटा बाय बाय बोलते हैं, इनकी जो सहेलियाँ हैं या फिर इनके जो फ्रेंड हैं वो यहाँ पे आएंगे, इनको कंधे पे उठा के ले जाएंगे। चलो निकल लो, कट लो यहाँ से, पंगा मत लेना एनवेन भाई से, अबे सामने मत हट ले यहाँ से, नहीं एक बार और दूंगा लात तेरे में फेंक जाएगा।
तो यहाँ पे चलते हैं वापस से, हमारे रेलवे जंक्शन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक ट्रेन और आके खड़ी हुई है। कौन सी ट्रेन है ये? ये है हमारी वेफोर लोकोमोटिव। ओ भाई साहब, वेफोर ने बोला चलो मैं देखता हूँ कौन है एंड मैन। तो आ जा बेटा, अब तेरा ही खेल खत्म करूँ। बहुत ज़्यादा चतुर बन के यहाँ पे आया था ना तू, तो यहाँ पे इसके सिग्नल को कर देते हैं ग्रीन। चल निकल ले, आ जा, लगा रेस मुझसे। हाँ, दो दो हाथ मुझसे कर रहा तू। और यहाँ पे ये फिर से जाएगा, वहाँ पे स्पीड पकड़ेगा ब्रिज के वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे इसके साथ भी हम सेम स्कैम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना इसको हम कर देते हैं ट्रैक को चेंज, क्योंकि ये बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं डीरेलमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लड़खड़ा जाएगा। हम सीटिंग नहीं करेंगे, हमने ट्रैक बिल्कुल सही कर दिया है, अब ये सीधा निकल जाएगा। अगर सही नहीं करते ना तो वो यहीं पे लड़खड़ा जाता, तो वो चीटिंग होती है, लेकिन हम चीटिंग नहीं करते। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पास से कोई ट्रेन आ रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे वेफोर लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे कोई ट्रेन आई है जो कि इसमें टक्कर करेगी। भाई साहब, महामाना एक्सप्रेस है, ले बताओ, ट्रेनों में आपस में ही नहीं बन रही, ये मुझसे क्या लड़ेंगे जब इनमें आपस में ही हाथापाई हो रही है। मैंने तो इनसे हाथ भी नहीं लगाया, बताओ। अच्छा वाला निकल लेता वहाँ पे पीछे खड़ा हो जाता, फिर बाद में निकल लेता, जहाँ गुलांट खा गया, अभी खेल खत्म है। चलो महामाना एक्सप्रेस, बेचारे महामाना एक्सप्रेस को तो छोड़े आता, अकेला आ जाता है यहाँ पे, ट्रेन को और खींच लाते हैं पीछे से, उनका और सत्यानाश हो जाता है। हमारी कार कहाँ गई वे? ओए कार कहाँ है? ये रही हमारी, धन्नो कहीं नहीं जा सकती हमें छोड़ के। एक बात तो है, धन्नो है तो हम है, अगर धन्नो नहीं है ना तो हम भी नहीं है, ऐसा समझो। क्योंकि पैदल चलना बहुत डिफिकल्ट रहता है इस गेम में, बहुत मतलब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वापस चलते हैं और यहाँ पे जो ट्रैक है ना इसको चेंज कर लेते हैं। अब ब्रिज के नीचे से जो भी ट्रेन आएगी ना वो जाएगी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जिस पे स्टार्टिंग में हमने दो लोकोमोटिव को एक्सीडेंट करवाया था ना, उस वाले ट्रैक पे जाने वाली है। तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा ताकि यहाँ से ट्रैक को चेंज कर ले। और वैसे तो इस पे ट्रैक पे कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा हमने ब्रिज के आगे जाके इस पे जो ट्रेन आ रही थी उसका डीरेलमेंट कर दिया था, एक्सीडेंट कर दिया था। अब उसके पीछे जो भी ट्रेन आएंगी उससे टकराती जाएंगी और यहाँ पे नहीं आ पाएंगी। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ट्रैक को चेंज कर दिया, हो सकता है वो गायब हो गई हो वहाँ पे ट्रेन, तो यहाँ पे जो ट्रैक है वो खाली हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेन आ जाएंगी, ठीक है। और वो ट्रैक चेंज करके इस वाले ट्रैक पे आएंगी जिस पे यहाँ पे हमारे दो लोकोमोटिव का एक्सीडेंट होके रखा है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, भाई साहब तुम अभी तक डले हो हैं? तो बेचारे तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? तुम्हें कोई उठा के नहीं ले जा रहा, यहीं पे डले हैं दोई की दोई, नींद लग गई क्या? भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? वैग 7 है तुम्हारा नाम? बच गई, स्नैक कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे क्या यहाँ पे? बगल में दुकान है, चोरी करने आए थे क्या? दोनों चोर हैं, चोर चक्के लग रहे हैं दोई मुझे। तो यहाँ पे 24617 इनका नंबर है और यहाँ पे कार में बैठ लेते हैं। लेकिन यहाँ से एंगल देखिए, बेचारा खेल खत्म है। पीछे वाले ने बोला और जा तू जा दुकान पे समा। ओ नहीं यार, हमारी कार यहाँ पे ऑटोमेटिक चलती रही और यहाँ पे गिर गई, मुंह के बल ये भी गिर गई बेचारी। हम इसको, ओ नहीं नहीं नहीं, ये हम कहाँ गए बे? ओ शिट, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुके हैं। ओ माय गॉड गाइज, ये तो कुछ अलग ही लोचा हो गया इस गेम में। तो गाइज स्कैम सबके साथ किया, स्कैम हमारे साथ भी हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, बताइए ऐसे एक्सीडेंट आपको कैसे लगे। अगर आप कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट में। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक का बटन जरूर छोड़ दीजिए। बाय बाय।